हेलो नमस्कार साथियों साथियों फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जी के जंक्शन में। साथियों फिर से हाजिर है एक और नए वीडियो में। जानेंगे जीके से जुड़े मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आंसर जो कि हर एक परीक्षा में बार बार पूछे जाते तथा आने वाली परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं, इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखिएगा। साथ ही वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए ताकि आने वाली ऐसी वीडियो की जानकारी आपको हर रोज़ मिलती रहेगी। आइए आज का टेस्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल है, किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? जी फ्रेंड्स, किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? आंसर आपको पता हो तो आंसर को कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। जिसका सही आंसर हो जाएगा सोडियम को आसानी से आप चाकू से काट सकते हैं। अगला सवाल है, भारत में सर्वप्रथम वन नीति कब अपनाई गई? जी फ्रेंड्स, भारत में सर्वप्रथम वन नीति कब अपनाई गई? जिसका सही आंसर हो जाएगा भारत में सर्वप्रथम वन नीति 1894 में अपनाई गई। अगला सवाल है, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? जी हाँ साथियों, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? जिसका सही आंसर हो जाएगा चेचक के टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था। कौन से दो राजा जो शब्द भेदी बाण चलाने में माहिर थे? जिसका सही आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान व राजा दशरथ शब्द भेदी बाण चलाने में माहिर थे। अगला सवाल है, जेंटलमैन एग्रीमेंट का संबंध किस रियासत से रहा था? जी फ्रेंड्स, जेंटलमैन एग्रीमेंट का संबंध किस रियासत से रहा था? जिसका सही आंसर हो जाएगा जेंटलमैन एग्रीमेंट का संबंध जयपुर रियासत से रहा था। अगला सवाल है, किस कछुआ शासक ने अपनी पुत्री का विवाह अकबर से करवाया था? जिसका सही आंसर हो जाएगा राजा बारमल ने अपनी पुत्री का विवाह अकबर से करवाया था। अगला सवाल है, राजस्थान में स्थापत्य कला का दाता किसे माना जाता है? जी फ्रेंड्स, राजस्थान में स्थापत्य कला का दाता किसे माना जाता है? जिसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान में स्थापत्य कला का दाता राणा कुंभा को माना जाता है। अगला सवाल है, जय कन्या विद्यालय की स्थापना कब की गई? जी फ्रेंड्स, जय कन्या विद्यालय की स्थापना कब की गई? जिसका सही आंसर हो जाएगा जय कन्या विद्यालय की स्थापना 1932 में जय नारायण व्यास द्वारा की गई। अगला सवाल है, कायलाना झील कहाँ स्थित है? जी फ्रेंड्स, कायलाना झील कहाँ स्थित है? जिसका सही आंसर हो जाएगा कायलाना झील जोधपुर राजस्थान में स्थित है। अगला सवाल है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? जी हाँ फ्रेंड्स, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? जिसका सही आंसर हो जाएगा विवेकानंद रॉक मेमोरियल तमिलनाडु में स्थित है। अगला सवाल है, लूणकरण सर कहाँ स्थित है? जी हाँ फ्रेंड्स, लूणकरण सर कहाँ स्थित है? जिसका ए ऑप्शन गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी राजस्थान, डी उत्तराखंड। आंसर आपको पता हो तो आंसर को कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। जिसका सही आंसर हो जाएगा लूणकरण सर राजस्थान में स्थित है, जिसे राजस्थान का राजकोट भी कहा जाता है। तो साथियों वीडियो आपको कैसी लगी मैं कमेंट करके जरूर बताया। साथ ही वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दे ताकि आने वाली ऐसी वीडियो की जानकारी आपको हर रोज मिलती रहेगी। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, स्टे कनेक्टेड स्टे सेफ। थैंक यू।